A very, very gracious welcome to the enlightened youth of this country. Main Anam Ahmed from the platform of Pencil Box Education. Naap sabhi ka swagat karti hoon The Hindu Newspaper Analysis mein. Aaj hai 12th October 2018. So what are we waiting for? Here we go. I have some brief little information about main kahan ko aati hoon, kahan ko jaati hoon. You might just give it a check. This will remain the pattern of our discussion, starting with an amazing, inspiring koti woti and ending on a math practice question. So let us see what do we have here for us today. ये कोट मैंने कल एडिट किया था, बनाया था अपनी खुद के हाथों से और मेहनत से, तो मैंने इसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे पोस्ट किया था. बट ये पूरा कोट मेरे दिमाग में, मेरे जहन में पूरा दिन घूम रहा था, तो आई थॉट टू यू नो शेयर सम थॉट्स, शेयर सम इलैबोरेशन विद यू, क्योंकि ये हमारे यूपीएससी, हमारे एसएससी और हमारा जो एग्ज़ाम मोड है, जो हमें एस्पिरेंट्स का जो हमारा ऊपर अभी टैग लगा हुआ है, तो उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट लाइनों का, पंक्तियों का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मायने भी रखता है. तो जब भी हम कोई मोटिवेशनल कोट वगैरह डिस्कस करें, दिस इज समथिंग विच यू नो, अगर आप इसका एलैबोरेशन ना सुनना चाहें तो इसको पढ़ करके आपके दिमाग में एटलीस्ट ये अनकॉन्शियस तरीके से घूमना चाहिए और आपको एट द बैक ऑफ द माइंड इसको सोचना चाहिए, रिपीट करना चाहिए वॉट एवर द कोट हैज बिन यू नो सेइंग टू यू. सो मोटिवेशन इज दैट फायर जो आपके अंदर से आनी चाहिए. इफ समवन एल्स इज ट्राइंग टू लाइट दैट फायर अंडर यू, तो उसका चांसेस ये है कि इट विल बर्न आउट वेरी इजिली. जैसे कि हम कहते हैं कि उसने मुझे मोटिवेट करा, मेरी टीचर ने मुझे मोटिवेट करा, मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे घर वाले मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरी सिबलिंग मुझे मोटिवेट करती है, मेरा जिगरी यार मुझे मोटिवेट करता है, मेरा जो है लाइफ पार्टनर मुझे मोटिवेट करना है करता है. बट ये सारे लोग मोटिवेट करें बहुत अच्छी बात है, दे कैन एक्ट एज पुश फैक्टर्स इन योर लाइफ, कि आपको पुश कर सकते हैं वो किसी काम के लिए. बट आप कितने तरीके से कंसिस्टेंटली आप उसको काम कर रहे हैं, कितने तरीके से आप ऑल द टाइम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स आपके खुद के अंदर से आने चाहिए. इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड यू. अगर आपके अंदर ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है, आपके अंदर ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है, आपके अंदर ऐसा कोई लगाव नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई फायर नहीं है, कोई चिंगारी नहीं है उस काम के प्रति, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो मोटिवेशन मेंटेन करना. तो जब भी आप किसी काम में आपको लग रहा है कि मेरा मोटिवेशन डाउन और अप हो रहा है, तो आप समझ लिए कि आपका मोटिवेशन, आपकी वो प्रेरणा, आपकी वो उत्तेजना आपके अंदर से बाहर आने चाहिए, ना कि आपके बाहर वाले आपके अंदर वो चीजें डाल रहे, तो और अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाएगी. सो दैट्स हाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस. एमसीक्यूज वीडियो मैं दो दिन से डाल रही हूं और उसमें मैंने क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड करे हैं हिंदू डिस्कशन पे और जो पास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, तो प्लीज डू गिव इट अ चेक. वो आपके लिए इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. उससे आप बस कुछ अच्छी चीजें सीख पाए. जो क्वेश्चंस जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपके आंसर्स गलत आ रहे, तो आई वुड से कि वो क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसको आप पांच ज़रूरी बातें उसके बारे में सर्च करिए गूगल करके या किसी भी सोर्स से, और उसके बारे में फाइव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जानेंगे. तो अगर इस तरीके से आप लर्निंग कर रहे हैं, तो यू नो यू विल रिमेन विजिलेंट एंड आपके फैक्ट्स जो आप याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे डायरेक्शन से भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा याद आएगा कि अच्छा, मैंने एमसीक्यू वीडियो में इस क्वेश्चन को ऐसे गलत किया था, तो उसका सही पॉइंट ये था. तो इस दिशा से आप लर्न करने की कोशिश करिए, क्या पता कुछ यू नो आश्चर्यचकित बात हो जाए. तो दिस इज द एफबी पेज और टेलीग्राम ग्रुप, जो इन दोनों की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ फॉर पुटिंग अ मोटिवेशनल कोट्स, प्लस एमसीक्यू वीडियो के आंसर्स भी मैंने वहां पर पुट कर दिए थे. तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यहां पर कपल ऑफ एडिटोरियल जो आज हमारे खाने और नाश्ते की प्लेट में लगे हुए हैं, तो पहला एडिटोरियल और ये यहां पर दूसरा एडिटोरियल मी टू कैंपेन के ऊपर है, जो कि काफी ज्यादा इंटरनेट ऑन फायर हो चुका है. मेल्स जो हैं अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम लॉगिन करने से डर रहे हैं कि कब क्या एलिगेशन लग जाए, कब कहाँ मैं टैग हो जाऊँ, कुछ नहीं पता. तो इसके बैकग्राउंड में हम कुछ ज़रूरी बात करेंगे. यहाँ पर बात हो रही है नोबेल प्राइज़ 2018 जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं इस साल. तो यहाँ पर दो महान शख्स को इकोनॉमिक्स डायमेंशन में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उनके क्या यू नो डेवलपमेंट और क्या रिसर्च टॉपिक्स रहे, तो उसके बारे में भी हम फोकस करेंगे. फोर्थ आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी, द रोल of executive, the role of legislators in our country, जहां पर जुडिशरी ने एक अलग हट की अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जहां पर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए. तो वी विल बी फोकसिंग फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ दैट आर्टिकल एज वेल. यहां पर फ्राइडे है, फ्राइडे को आता है कोई चर्चा का विषय, तो आज हमारी चर्चा का विषय है क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी जो उठाई थी क्रिमिनल्स को पोल से बाहर निकालने के लिए, क्या वो जिम्मेदारी अपनी पूरी कर पाए या नहीं कर पाए हैं, उसके बैकग्राउंड में कुछ जरूरी बातें हम करेंगे. तो
विल बी फोकसिंग अपॉन इट. यहाँ पर बात हो रही है यूके में कुछ इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम, जो हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स में. तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपने इस खूबसूरत दिन की शुरुआत का एक बहुत ही खतरनाक कैंपेन जो कि आग लगा दिया है पूरे के पूरे इंटरनेट को, #MeToo. तो यहाँ पर आर्टिकल राइटर कह रही है #AsToo भी है एक चीज़ कि यहाँ पर हमें, ठीक है, दिस इज़ जिनको नहीं पता वॉट दिस कैंपेन इज़ अबाउट, तो #MeToo इज़ अ कैंपेन जहाँ पर US से हम इसका जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है और ट्रेस हम जो करते हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये फिनोमिना निकल करके आए, जहाँ पर ग्रुप ऑफ वीमेन ने अपने स्टोरीज़ वगैरह शेयर करी थी ऑन सोशल मीडिया की. वो जब काम कर रही थी या कहीं पर एसोसिएटेड थी, बिजनेस कर रही थी या फैमिली में थी, तो उनको ऐसा वायलेंस उन्होंने एक्सपीरियंस करा और उनको हैरेसमेंट हुआ या सेक्शुअल वायलेंस हुआ या मेंटल टॉर्चर हुआ, फिजिकल अब्यूज़ हुआ, तो किसी भी टाइप का टॉर्चर हुआ, तो उन्होंने जाकर के इंटरनेट पे अपनी स्टोरी बयां करी, उस पार्टी को टैग किया. दैट्स हाउ अवेयरनेस लेकर के आई और अपनी जो एक्सपीरियंसेस से उन्होंने सीखा वो अवेयरनेस और वो इंस्टेंसेस वो लेकर के आई इन द क्राउड. तो ये अब पहुंच चुका है इंडिया में. इंडिया में भी द फेसबुक इज फिल्ड, ट्विटर इज फिल्ड विद सच इंस्टेंसेस जहां पर विमेन, वर्किंग यंग विमेन, दे आर कमिंग ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एंड ओपनली पुटिंग अप एलिगेशंस ऑन पीपल जिनकी वजह से उनको हैरेसमेंट और वायलेंस जैसी चीजों का एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ जिंदगी में. यहां पर मोस्ट प्रोमिनेंटली तनुश्री दत्ता ने एलिगेशंस लगाया. नाना पाटेकर एक वेटरन एक्टर है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उन पे एलिगेशन लगाती हुई नजर आ रही है कि एक हॉर्न ओके प्लीज करके मूवी थी और उसके सेट्स पे उनको हैरेसमेंट हुआ था, सेक्सुअली उनको वायलेट करा गया था, उसकी वजह से उन्होंने मूवी भी ड्रॉप आउट कर दी. दैट वॉज वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से क्विट कर दी थी. तो यहाँ पर इस बैकग्राउंड में वही मी टू मूवमेंट इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट योर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस एंड हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस वायलेंस. यहाँ पर MJ अकबर जी जो कि एक बहुत ही सेंट्रल जो है एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स का एक ओहदा, एक पोजीशन, रिस्पेक्टेबल पोजीशन हमारे कंट्री में इंजॉय करते हैं, इवन इन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं एक महिला के द्वारा कि इन्होंने भी हमें जो है, शी वॉज अ मीडिया पर्सन एंड ये एक अनकंफर्टेबल सेटिंग में थे एंड देन उन पे एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने उनको जो है अनएनिमसली और बहुत ही गलत इंटेंशन से अप्रोच करा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट. तो अभी MJ अकबर हु इज सर्विंग हिज टर्म एज अ बीजेपी पॉलिटिशियन, तो उनको कहा जा रहा है कि आप कुछ ना करके ये एलिगेशन सही है या नहीं, बट कोई तो बात जरूर होगी और आपको रेसिग्नेशन देना चाहिए क्योंकि हम अपनी कंट्री का फ्यूचर, हम अपनी कंट्री का फेथ ऐसे लोगों के हाथ में कैसे छोड़ दे. तो इवन इफ मी टू कैंपेन के तहत ये सारे जो एलिगेशन है स्टिल आर एलिगेशन और ये प्रूवन फैक्ट्स नहीं है क्योंकि इन बातों को बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, टाइम हो गया है, इनको प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. बट हाँ, बदनामी हो रही है, जागरूकता बढ़ रही है, ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज जो पर्दों के पीछे बैठे हुए हैं वो बाहर निकल करके आ रहे हैं. तो दिस इज आर आई गेस अब लोग आक्रोश दिखा रहे हैं कि एटलीस्ट जो आप मिनिस्टर्स जिन पे ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं तो उन पे एटलीस्ट बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और उनको रेसिग्नेशन देने के लिए हमें कंपेल करना चाहिए. तो यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर आर्टिकल राइटर कह रही है कि अब हमारा हाई टाइम है कि हमें वर्क प्लेस वायलेंस जो कि हम देख सकते हैं मीडिया इंडस्ट्री से बहुत सारे इंस्टेंसेज निकल के आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे इंस्टेंसेज निकल के आ रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अब हमें एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट को, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए कि हमें प्लान्स, प्रोपोगेंडास, पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, रूल्स, IPCs ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अवेयरनेस और बढ़ाना चाहिए और हमें वर्क प्लेस वायलेंस मतलब जहाँ पर औरत काम कर रही है वहाँ पर उसको हरासमेंट ना हो, वहाँ पर उसको जो है चाहे वो मानसिक हरासमेंट हो या फिजिकल टॉर्चर हो या फिर सेक्शुअल अब्यूज़ हो, किसी भी टाइप का अब्यूज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन द वर्क प्लेस जहां पर हम एडवांसमेंट के जमाने में है, इक्वालिटी की बात करते हैं, यहां पर हम जेंडर डिफरेंसेस को खत्म करने की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सेफ्टी एंड अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं. तो अब जब हम ऐसे डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मॉडर्न इकोनॉमी को हम दर्शाते हैं, तो हमारी शोभा नहीं देता कि हमारे कंट्री की औरतें ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करें. तो यहां पर कुछ मैंने अपनी तरफ से कुछ वे फॉरवर्ड पॉइंट्स आपके लिए इंक्लूड करे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग्स, ऐसे आंसर राइटिंग, क्योंकि ये तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टाइप्स टॉपिक हो जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट.
तो उस पर आप ये सारे पॉइंट्स लिख करके उसको और एनहेंस कर सकते हैं. जैसे विमेन कंप्लेंट सेल होनी चाहिए जहाँ पर एक ऑफिसर भी विमेन होना चाहिए ताकि वो बाकी औरतों की यू नो प्रॉब्लम से सिंपथाइज कर पाए. यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में शी बॉक्स ऑनलाइन कैंपेन चलाया था, ठीक है. तो दिस इज वन थिंग विच वॉज वेरी अप्रिशिएटेड, जहाँ पर एक सेल मेंटेन करना था एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनकी वर्कफोर्स में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन विमेन एम्प्लॉयज का है. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन विमेन एम्प्लॉयज का है तो वहां पर ऐसे सेल होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है. शी बॉक्स ऑनलाइन जहां पर वो जो है एक ऐसे कंप्लेन रिड्रेसल सेल भी होना जरूरी है, और विमेन को भी ये जो है एम्पावर किया गया है, विमेन को भी ये राइट दिया गया कि वो शी बॉक्स ऑनलाइन विच इज अ कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने यू नो फर्म के अगेंस्ट. यहाँ पर सोसाइटी एंड साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. देखिए कि एक औरत ओपनली प्लेटफॉर्म पे आके अपनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं डिस्कस करना चाहती, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं अप्रोच करना चाहती, बिकॉज कहीं ना कहीं औरत के चरित्र पे दाग लग जाता है. क्योंकि सोसाइटी बड़ी स्ट्रेंज है, सोसाइटी बड़ी अनरिलायबल है, सोसाइटी बड़ी एलियन है टू मी. आई मीन आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड कि अगर एक औरत का रेप हुआ है तो उसमें उसकी मॉडेस्टी, उसमें उसका कैरेक्टर पे कैसे दाग लग गया. आई मीन द पर्सन हु इज डूइंग दिस हीनियस क्राइम, उसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर पे दाग लगना चाहिए. बल्कि उल्टा असर ये होता है कि सोसाइटी में ऐसी औरतों को पनाह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. शी इज़ नॉट एबल टू मैनेज और एडजस्ट वेल इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से वो शांत रह जाती है, खामोश रह जाती है, जिसका फायदा और लोग भी उठाते हैं. अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहिए हमें, चाहे विमेन हो या सोसाइटी एज अ होल हो. अगेन इसी पूरे बैकग्राउंड में आपके क्या राइट्स हैं, आप कहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और आपके क्या जो है इम्पोर्टेंट आप यू नो हथकंडे हैं आपके लिए, क्या आपको एम्पावर्ड पॉइंट्स हैं आपके लिए. इवन सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि देखिए थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट, अपने सोचने का नज़रिया आप बदलिए एंड ऑल ऑफ दैट. क्विक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो कि हमारी कंट्री में माई गॉड इज़ वेरी वेरी वीक एंड इट्स वेरी वेरी स्लो. तो एक आरोपी के दिमाग में ये चीज़ होती है कि ठीक है, इवन इफ हम पकड़े गए, इवन इफ हम संदिग्ध करार हमें कर दिया गया एंड एवरीथिंग, हम पे आईपीसी की धार लग गई, तो कोर्ट में केस चलते चलते टाइम हो जाएगा, तब तक हम बेल पे एंजॉय कर लेंगे. तो ये सारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में भी कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, और सेफ एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रहे थे. जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ दिल्ली मेट्रो का, जिसमें महिलाओं का एक पूरा कंपार्टमेंट जो है एक तरीके से रिजर्व कर दिया है फॉर विमेन, और वो पहला कंपार्टमेंट होता है जिस गति में मेट्रो वर्क करती है, चलती है. तो वहां पर दिल्ली मेट्रो ने ऐसी चीजों का यू नो करके, या फिर सीआईएसएफ के ये सारे जो कर्मचारी उनको एम्पावर करके, उनको और अच्छे से यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध करके मेट्रो जैसे इंस्टीट्यूशन को काफ़ी विमेन फ्रेंडली कर दिया. तब आज के टाइम में कम्यूटर्स जो कि विमेन है वो 10-10 बजे 11-11 बजे रात में भी अपने आप को फील सेफ करती है टू ट्रैवल. अब यही बात सोचिए अगर वो बसों में, ऑटो में, पैदल चल रही होती तो क्या वो इस टाइप की सिक्योरिटी, इस टाइप का वो एक्सपीरियंस कर रही होती, और अगर नहीं अपने आप को सिक्योर फील कर रही होती तो वो काम पे भी नहीं बाहर जा रही होती. तो ये ऐसी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस कॉल्स, या फिर एक विमेन हेल्पलाइन, या फिर अब विमेन हेल्पलाइन जैसी चीज़ें आपने डेवलप तो कर दी, बट किस लेवल पे वो एफिशिएंटली वर्क करिए ये अभी भी एक यू नो मतलब आपको पता है, आप कभी सुसाइड हेल्पलाइंस जो गवर्नमेंट ने जारी करी थी, आई वॉज लिसनिंग टू एन आर्टिकल, एक एडवर्टाइजमेंट को मैं सुन रही थी रेडियो पे, एंड देन ये फ्लैश हो रहा था बार बार बोर्ड्स के टाइम पे कि अगर कोई बच्चा मानसिक तनाव में है और डिप्रेस्ड है और ऐसा है तो आप ये सुसाइड हेल्पलाइंस वगैरह पे कॉल कर सकते. तो आई जस्ट यू नो फॉर सम फन मैंने उसको कॉल करके देखा कि लेट अस जस्ट ट्राई कि ये सब क्या इन्होंने स्टार्ट कर दिया है. तो व्हेन आई जस्ट कॉल दैट 4-5 digit जो उनका टोल फ्री टाइप्स नंबर था, हेल्पलाइन था, नथिंग हैपेंड. आई मीन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो फ्रस्ट्रेटेड ना भी होगा ना सुसाइड करने के लिए, वो और सुसाइड कर लेगा. मतलब नंबर ही डायल करता रहेगा, 2-2-2-2 बीप जा रही है, फिर 5 बार वो नंबर चेक करेगा कि सही डायल किए हैं कि नहीं किए. तो मतलब प्लीज़ आई मीन टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लोगों को बैठाइए, कॉल सेंटर खोलिए, डू व्हाटएवर, GPS ट्रैकिंग सिस्टम्स डालिए विमेन फोन्स में, कुछ भी करिए. आई मीन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन हेल्प एम्पावर विमेन और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर हम वर्क कर सकते हैं. जब ऐसे मैकेनिज्म्स आ जाएंगे ना, आई एम टेलिंग यू, ये सब वायलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि तब दूसरी पार्टी भी डरेगी कि हाँ यार इसके फोन में वो ऐप हो सकती है, या फिर वो हेल्पलाइन बहुत फंक्शनल है, या फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमारी कंट्री में बहुत तगड़ा है. तो ऐसे सारी चीज़ें डिस्करेज कर सकती है.
इन सारी एक्टिविटीज को. दिस आर्टिकल इज अगेन टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के जमाने में इंस्टेंट मैसेजिंग का जो दौर आ गया है उसकी वजह से जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंसेंट का है. अगर आपने मूवी पिंक नहीं देखी तो दिस इज समथिंग विच आई वुड रिकमेंड कि आप ये मूवी जरूर देखिएगा मेरी तरफ से. ब्यूटिफुल एक्टर्स आ देयर. अमिताभ बच्चन ने एज अ लॉयर बहुत अच्छा किरदार निभाया है. तो कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में मूवी भी देख लिया करिए. आई मीन दिस इज नो हार्म. तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं पे करके, या फिर आप प्राइम वीडियो सब्सक्राइबर है तो उस पर देख सकते हैं. अपने दोस्त से पार्टियों से जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके पास तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का पासवर्ड तो जरूर होगा, तो आप उनसे ही ले लीजिएगा. तो दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि आप पिंक मूवी देखिए तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कंसेंट, व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन अ गर्ल सेज नो देन इट रियली मींस नो. चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, थकी हारी आपके बिस्तर पर रात 12 बजे भी बैठी हो अलती पलती मार के एक ऑफेंडिंग कपड़े पहनकर भी, ऑफेंडिंग अटायर पहनकर भी, इवन इफ शी इज ड्रंक, बट ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको हक नहीं देता कि आप उसकी मॉडेस्टी, आप उसके जो है चरित्र पे, आप उसके जो है सोल पे किसी भी टाइप का अटैक करें. इवन इफ यू नो सर्कमस्टेंसेज ऐसे बने हुए, टिल द टाइम द गर्ल इज नॉट अप्रोचिंग यू विद हर कंसेंट, आप उसको गलत इंटेंशन से टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते. तो हमारा पूरा का पूरा विवाद कंसेंट पे है कि एक औरत को एक क्वेश्चन करा जाता है, पुलिस ऑफिशियल्स औरत को एक क्वेश्चन करते हैं कि देर रात गए दारू पिए इस हालत में तुम उस फलाना ढमकाना के फ्लैट पे उसके बिस्तर पे क्या कर रही थी. अरे कर रही थी बट तुम दूसरी पार्टी से भी पूछो ना कि अगर मैं उसके फ्लैट पे उसके बिस्तर पे ड्रंक बैठी थी तो वो आदमी अपने आप को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया. भेड़िया है, जानवर है, क्या है. तो दैट्स व्हाट इट इज. तो कंसेंट की पूरी कहानी है कि आप सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, एनवायरमेंट से चीजें जज ना करिए. लड़की को कपड़े देख के जज ना करिए, उसके अल्कोहलिक स्टेट को देख के जज ना करिए. अगर वो पब में मिल रही है तो उसके चरित्र को जज ना करिए कि ये तो पब में है, दारू पी रही है, 12 बज रहे हैं, छोटे कपड़े में है, डांस कर रही है, अपने चार फ्रेंड्स के साथ है जिसमें से 3 मेल्स है. तो दैट मींस वो उसी टाइप की लड़की होगी, और उस टाइप की लड़की होगी तो ये मेरा हक बनता है और मेरा मुझे इजाजत ये अपने आप अनकॉन्शियसली दे देती है कि मैं इसकी जो है इज्जत पे हाथ डालूं. तो ये सारी बातें कंसेंट की है. एंड दे हैव रेस्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग अ फॉल्स एक्यूजेशन. अब देखिए किसी भी टाइप का बैटल अगर आप लड़ रहे हैं, किसी भी टाइप का आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, कोई मूवमेंट है, तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स तो होता है. तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस जो कि जेन्युइन नहीं थे और उन पे मतलब फॉल्स आरोप भी लगाया गया है. लोगों को जो है डिफेम करने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन है. बट ठीक है, एटलीस्ट मी टू कैंपेन से जागरूकता, अवेयरनेस, एक डर, एक भय, एक डिटरेंस तो क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में कि इवन इफ अगर आप एक फॉल्टी असॉल्टिंग मैसेज किसी को भेज रहे हैं, डेरोगेटरी मैसेज किसी को भेज रहे हैं, आउटरेजियस मैसेज किसी को भेज रहे हैं, तो वो लड़की मी टू कैंपेन के तहत आपका वो स्क्रीनशॉट पब्लिक कर सकती है. तो कुछ तो डेटरेंस, कुछ तो डर आई गेस क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो मैंने एज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन ये आपको इंक्लूड करा है नीचे इन द कमेंट सेक्शन कि आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या ओपिनियन है ऑन द हैशटैग मी टू कैंपेन और कैसे हम विमेन एम्पावरमेंट पे और जो है रूल्स एंड पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं. तो आप बात समझ लीजिए कि एसे में और आंसर राइटिंग में, चाहे वो SSC दे रहे हैं, PCS दे रहे हैं, IAS दे रहे हैं, ये विमेन की जितने भी इश्यूज है ये बहुत ज्यादा क्रूशल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई तादाद है इनकी, भरी तादाद है इनकी कि इनसे जरूर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. तो यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की बात हो रही है. यहां पर इकोनॉमिक्स में इस बार को जो प्राइज दिया गया है वो कि रिसर्च टॉपिक पे इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि साथ साथ चल सकता है या नहीं चल सकता है, ये रिसर्च टॉपिक था और इस पे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है डॉक्टर विलियम डी नॉर्डहाउस वट एवर द स्पेलिंग इज, पॉल एम रोमर को. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बात करी कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ क्लाइमेट चेंज पे असर करता है या फिर क्लाइमेट चेंज भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर कर सकती है. जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, फॉरेस्ट की फॉरेस्ट को डैमेज कर रहा है ये क्लाइमेट चेंज, में भी सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, फॉरेस्ट में आग लग रही है या फिर बारिश एक हद तक ज़्यादा हो रही है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, तो उससे हमारे रिसोर्सेस कम हो रहे तो काम धंधा कम हो जाएगा, मिनरल्स कम हो जाएंगे, फिर ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी. ऑफकोर्स विदाउट मिनरल्स हम कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे और अगर ह्यूमंस इल हो गए, ह्यूमंस डिजीज प्रोन हो गए तो इकोनॉमी में तो वैसे ही पीपल ही नहीं रह जाएंगे, एक ब्रिलियंट माइंडसेट्स ही नहीं रह जाएंगे कि वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर पाए. और इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहा है, कम कर रहा है,
एक्सप्लॉयट कर रहा है उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो ये दोनों बातें हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर हो सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी क्लाइमेट चेंज की यू नो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात कर रहे हैं मिस्टर नॉर्डहोस ने, और मिस्टर रोमर ने करा है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के आइए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकरेज करे, और ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आइए कि आप कम से कम नुकसान पहुँचा पाए अपना, अपने एनवायरमेंट का, अपनी प्रकृति का, अपनी जो है धरती माँ का, अपना इमीडिएट एनवायरमेंट का। और ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी इसी के बैकग्राउंड में तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट और ये सारे एग्रीमेंट्स हमने साइन करा था कि आप जो है नेशनली डिटरमाइंड टारगेट से, या फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये सारे जो डेवलप्ड नेशंस जो है जिनके पास पैसा बहुत है वो डेवलपिंग कंट्रीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें ताकि वो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके, क्लाइमेट चेंज को काउंटर आर्ग्यू कर सके। एंड उनके लिए यू नो क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो डेवलपिंग नेशंस जो ऑलरेडी इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट है तो उनके पास पैसा इतना नहीं है, तो डेवलप्ड नेशंस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। प्लस कार्बन टैक्स इज ऑल्सो समथिंग जो काफ़ी विवादित है, कार्बन टैक्स रेट हो गया या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करना हो गया, कि देखिए ये सारे में चीज़ें तो काफ़ी वेलकमिंग है बट अगेन ये पॉलिटिकली डिटरमाइंड पॉइंट्स हैं, इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है मोर देन इकोनॉमिक्स। और कार्बन टैक्स मतलब जितना आपकी इंडस्ट्री आपके कंट्री में कार्बन एमिट कर रही है उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स वाई यू हैव टू यू नो कीप द टैक्स रेट्स हायर, ताकि उनकी कंपनीज और इंडस्ट्रीज डिस्करेज फील करें कि वो कार्बन एमिट करें एनवायरमेंट में। तो मे बी वो कोई टेक्नोलॉजी वगैरह लगा देंगे अपनी चिमनीज में, ऐसा कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देंगे ताकि में कार्बन वो रिलीज ना करें, ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, क्योंकि टैक्स का एक ऐसा जो है हथकंडा है, एक ऐसी डरावनी चीज है लोगों के लिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं बस टैक्स को टैक्स बच जाए उनका। तो कार्बन टैक्स वगैरह फिर अगेन डेवलप्ड नेशंस ने उसको काफी तरीके से क्रिटिसाइज करा कि नहीं ऐसी चीजें हमारे लिए अगेंस्ट है, हमारे जो है इकोनॉमी के अगेंस्ट है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। तो इसको थोड़ा सा आप रीड करिएगा एज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड एनालिसिस थिंग। और यहां पर केमिस्ट्री का भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, फिजिक्स का मैंने इंक्लूड कर दिया, और जो बाकी डायमेंशंस बच गए हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन, कि आप थोड़ा सा इनको रीड करेगा कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किन दो लोगों को मिला है या किन तीन लोगों को मिला है, उनका रिसर्च टॉपिक क्या था, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। दिस कैन कम एज अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू, यूपीएससी में तो स्पेशली 2016 तक ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी 17 और 18 में तो पूछा नहीं गया है, बट 2019 में पूछा जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई मैं गारंटी नहीं ले सकती, आई एम नो वन टू टेक द गारंटी, काफी अनरिलायबल है ये सब। तो नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट इंडियन एब्डिकेशन, दैट मीन्स यहां पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के रोल के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अन्नदाता बन गया है, ऐसा एक सेंट्रल फिगर बन गया है, वो ही एक अपना रोल इतनी रिस्पॉन्सिबली प्ले कर रहा है, चाहे वो जजमेंट्स हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज पे, ट्रिपल तलाक, सबरीमाला, अडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी और डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन 377 या डाउरी केस हो या कोई भी टाइप का केस हो, रफेल डील फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बिग ब्रदर रोल इकोनॉमी में, कंट्री में अपना हमेशा दिखाया है। और यहां पर वही आर्टिकल राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, आई मीन आधे से ज्यादा आइटम्स अगर लेजिस्लेचर हाइपर एक्टिवली, एग्जीक्यूटिव हाइपर एक्टिवली जो है काउंटर कर ले, सॉल्व कर ले, बात कर ले, उन पे जल्दी जल्दी लॉज बना ले, तो सुप्रीम कोर्ट को इंडल्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर कोर्ट्स का इतना इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम वेस्ट नहीं होगा ऐसे सोशल इशूज़ पे जजमेंट देना, आई मीन वॉट आर यू देयर फॉर, लेजिस्लेचर्स, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, MPs, MLAs क्यों हैं हमारी कंट्रीज में, टू टॉक अबाउट द सोशल अपलिफ्टमेंट, टॉक अबाउट द पीपल, सोसाइटी। तो उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए ऐसे सारे चीजों पे लॉज बनाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए एंड एवरीथिंग। तो यहां पर जुडिशरी काफी सारे टाइम से सोशल फ्रीडम, सोशल जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है हमारी कंट्री में। और यहां पर जैसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को यहां पर गवर्नमेंट ने डाइल्यूट कर दिया था, और फॉरेन कंपनीज आज जो है पॉलिटिकल डिनोमिनेशंस दे सकती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो फॉरेन जो है कंपनीज, फॉरेन एंटिटीज आकर के पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके इलेक्शंस कैंपेन वगैरह में
तो ऐसी सारी चीजों को भी पास कर दिया गया था विदाउट एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर अगेन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के इन सारी हरकतों पर क्वेश्चन करा जा रहा है कि यार ऐसी सारी हरकतें कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हो, सोसाइटी एज अ होल को हानि पहुंचा रहे हो, ऐसे ऐसे एक्ट्स लेकर के आ रहे हो, बल्कि और ऐसे एक्ट्स लेकर आने चाहिए कि आपको सोसाइटी एज अ होल का फायदा हो, पॉलिटिक्स में करप्शन कम हो, बल्कि ऐसे एक्ट्स को आप एम्पावर कर रहे हैं बिना डिस्कशन के। ये भी नहीं कि पार्लियामेंट में आप डिस्कशन करें, कुछ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट से आप ये चीजें लेकर के आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें अप्रिशिएटेड नहीं है। यहां पर कुछ आंकड़ों की बात हो रही है कि लोकसभा जो है मीट करता था 127 डेज एवरेजली इन द 1950s, जिसका नंबर इतना गिर गया, आप समझ लीजिए 2017 में ये आंकड़े रिकॉर्ड हुए थे 57 पे, कहां 127 और कहां 57, आई मीन इट्स नॉट इवन हाफ। तो इतना ज्यादा अलार्मिंग है कि पहले तो अब आप ये सोचिए कि पार्लियामेंट में जब लोकसभा इज इन सेशन, ये सारे पार्टीज आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, एमएलए सब एमपीज मिल करके बैठते हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाने में पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर देते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। बट इनको इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक पीपीटी और एक प्रेजेंटेशन और एक यू नो एक स्क्रीन ऐसे होनी चाहिए, वहां पर मुद्दा नंबर वन, मुद्दा नंबर टू, और उस पर आपको कॉन्शियसली वोटिंग करना है, येस और नो में इतने वोट्स आए, फिर यहां पर इज इक्वल टू ये डिसीजन ले लिया गया, ऐसे करके पॉइंटर्स में बात होनी चाहिए। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप अकाउंटेबल है, इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन आप होल्ड करते हैं, पार्लियामेंट जैसे चीज के आप मेंबर हैं, और आप एक दूसरे के वुमेन सेफ नहीं, हमारे कांग्रेस बीजेपी को जो है बोलता रहेगा, बीजेपी कांग्रेस को बोलती रहेगी, इसमें पूरा का पूरा पार्लियामेंट जो कि मिलते भी है 60 दिन के लिए, जो मिलते भी है 60 दिन के लिए, उसमें भी एक दूसरे को ही ये लोग साइकोलॉजिकल पेन पहुंचाने में और अपने आप को सुपीरियरिटी प्रूफ करने में सारा टाइम पार्लियामेंट का बर्बाद कर देते हैं। बल्कि ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे बात करिए, कंसेशन लीजिए, वोटिंग लीजिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लीजिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम आगे जो है खराब ना हो। बजट वगैरह चीज भी हमने बिना डिस्कशन के देखा कि पार्लियामेंट में पास कर दी गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बना रहे हैं राफेल डील पे, तभी अब अगेन सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंडल्ज करना पड़ रहा है। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि इज इट देन सरप्राइजिंग दैट सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इनटू dangerous void which has been left by the executive and legislature, जो कि एक दूसरे को blame game करने में busy है। तो कौन इन सारे important विवादों पर, मुद्दों पर बात करेगा? तो Supreme Court नहीं, already इतना ज़्यादा इन पे pressure है files का, pending cases का, तो यही ये सारी important बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो judiciary एक unelected body है, ये कॉलेजियम सिस्टम से अपने जजेस वगैरह जो है अपॉइंट करते हैं, या अनइलेक्टेड है, हम इनको इलेक्ट नहीं कर रहे। तो जिन अथॉरिटी को हम चुनाव करके सप्ताह में लेकर आ रहे हैं, मेजॉरिटी में लेकर आ रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हमारे इश्यूज को एड्रेस करे, ना कि जुडिशरी हमारे हर इशू को सुनती रहे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स जो कि है वो बॉटम से आने चाहिए। तो ये सारे जुडिशरी को यू नो एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ी सी पना दो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो। प्लस एक और पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा पंडियन 1993 में ये पॉइंट आउट करा था कि सिर्फ 4% ऑफ द जजेस दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज से हैं और 3% ऑफ देम आर वीमेन। तो काफी अलार्मिंग फिगर्स है ये भी। 4 दलित्स ही आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन पाए और 8 वीमेन ही आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन पाए। तो ये भी फिगर्स काफी अलार्मिंग है। हमें और स्ट्राटा के लोगों को एनकरेज करना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए, ताकि वो जुडिशरी में आए और भी ये जुडिशियल सिस्टम एम्पावर हो पाए और ओपिनियंस हो पाए और ये सारे लोग जो अपनी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हुए जुडिशरी में आएंगे तो मे बी और बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो इनको ऑफकोर्स एक पैनल का पार्ट होना चाहिए। तो वैल्यूएबल टाइम ऑफ द जुडिशरी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अपनी जिम्मेदारी टाइमली समझना चाहिए। PIs इतने फाइल होते तो इनको नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि इतनी सारी PIs इन सारे इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट जैसे इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का हम वक्त जाया करें। तो चाहे वो बैन ऑन पोर्नोग्राफी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, या फिर नेशनल एंथम मैंडेटरी कर दिया था सिनेमा हॉल्स में, बैनिंग हो, फायर क्रैकर्स हो, हेलमेट वेयरिंग हो, सीट बेल्ट हो, इतने छोटे से छोटे इशू से बड़े इशू सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन ही हैंडल करता आ रहा है। सॉल्विंग थियोलॉजिकल एंड सिविल सोसाइटी प्रॉब्लम्स हो, या फिर एसेंस ऑफ हिंदुज्म, मुस्लिम एंड इस्लाम की मॉस्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नमाज के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, बाबरी मस्जिद, ये वो हर टाइप का आप समझ लीजिए
ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जिम्मेदार हुआ है। तो यहाँ पर अगेन सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बात हो रही है कि हैज़ सुप्रीम कोर्ट मिस्ड अ चांस टू कीप क्रिमिनल्स आउट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने साइड से मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था इंटरवीन करने के लिए, कह रहा था हम भाई थक गए हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा रोल निभाते निभाते लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, वो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में चेंजेस लेकर आए और ये पॉलिटिक्स और क्रिमिनल ये जारी जो चीजें हैं करप्शन इन पॉलिटिक्स है या फिर क्रिमिनल्स जो कि सीट को कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं एमएलए की सीट के लिए एमपी के सीट के लिए, उनको कैसे डिबार करना है, रोकना है, डिस्करेज करना है, तो ये सारा जो मुद्दा है ये आप लोग का है, आप डिसीजंस लेकर के आइए, आप लॉज लेकर के आइए, हम तो एज अ फादर हैं, हम तो इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बस एक मॉरल एथिकल सोल ऑफ द कंट्री है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, हम बस ये देखने के लिए हैं, ना कि आपके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हुए आएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आइए और यहां पर इजीली ये भी ऐसे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आइएगा कि इन सारी चीजों का जो है गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी जो कि रूल में रहेगी वो माइनॉरिटी पार्टी या फिर ऑपोजिशन पार्टी को डिफेम करने के लिए भी ऐसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का गलत फायदा उठा सकते हैं कि देखो इन पे कोई क्रिमिनल चार्ज लगा दो फिर वो जिंदगी भर के लिए इलेक्शन लड़ने से दूर हो जाएंगे और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ऐसी सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर कोर्ट ने अपने साइड से फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है इजाद किया था, प्रपोज किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से समथिंग जो हमारे साइड से इनोवेशन आ सकता है कि ऐसे सारे केसेस जो कि एक एमएलए और एमपी के अगेंस्ट लगे हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी प्रूफ करा जाए या फिर खारिज करा जाए, उन पे जो चार्जेस लगे हैं उसको प्रूफ करा जाए या फिर हटा दिया जाए और उन पे ये सारे जो केसेस बने हुए हैं उस पे एक मिडिल पाथ हमें लेकर गए ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि वो कॉन्टेस्ट करने के लिए लायक है या नहीं इलेक्शन। तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को अपनी सीटें ना दे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, या फिर वोटर्स ही ऐसे लोगों को इलेक्ट ना करें, तो दोनों सिचुएशन में हम ये चीजें हैंडल कर सकते हैं। यहां पर दूसरी पार्टी ये कह रही है कि कोर्ट ने कहा है कि वी कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, अगेन वही बात हो रही है कि हम थक गए हैं भाई तुम्हारी ड्यूटी निभाते निभाते, तुम लोग आपस में एक दूसरे में कुत्ता बिल्ली खेल रहे हो और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि हम पूरी सोसाइटी का भाड़ा उठाएं, हम पूरी सोसाइटी की उम्मीदों पर खड़े रहें, हम पूरी सोसाइटी के जस्टिस प्रोवाइड करें, तो आप भी कुछ काम करो। तो यहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने बात करी थी कि आपको ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्टिंग करनी चाहिए जहाँ पर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स उस पर केसेस फाइल्ड है, एंड यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी कहता है एक वेबसाइट हमने मेंटेन करिए जहां पर कैंडिडेट्स एफिडेविट्स फाइल करते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं है, हमारे ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं लगे हुए हैं, मैं किसी भी केस में संदिग्ध नहीं हूं एंड एवरीथिंग, तो ऐसा एफिडेविट हमें साइन करना और देना पड़ता है और वो एक चीज है वेबसाइट पे यू नो मेंटेन करना होता है डेटाबेस। तो यहां पर सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि ये बैन करता है ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए, सीट्स को कंटेस्ट करने के लिए जिन पे संदिग्ध आरोप लगाए हुए हैं और वो ऐसे ट्रायल अगर फेस कर रहे हैं, टिल द टाइम वो ट्रायल फेस कर रहे हैं तब वो फ्री है टू कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन। और हमारे कंट्री में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे तो मैं तारीफ ना ही करूं तो अच्छा है, तो ठीक है केस चलता रहता है अपना 50 साल 40 साल 30 साल 10 साल 20 साल केस चल रहे हैं और आप तो यू नो कंटेस्ट करके इलेक्शन बुढ़े भी हो गए, रिटायर भी हो गए, कब्र में भी चले गए, यू नो चिता पे भी जल गए, तब तक आपका केस पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो यहाँ पर जब तक ये सेक्शन ये कहता है कि जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक आपको जो है कोई मना नहीं कर सकता कि आप कंटेस्ट ना करें इलेक्शन। तो ये सारे पे कुछ बातें यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आप लेकर के आइए कि इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में हमें इन सारे अगेंस्ट इन पे चार्जेस जो लगे हुए हैं उसको हमें प्रूव करना है। रूलिंग पॉलिटिशियंस इसको मिसयूज ना करें इस पूरे प्रोविजन को, इस पे भी हमें ध्यान करना चाहिए। एंड ऑल क्रिमिनल केसेस विल नॉट इन्वाइट अ बैन। तो यहाँ पर किस टाइप का क्रिमिनल, इसको ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है पॉलिटिशियन पे। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस हीनियस क्राइम है जैसे कि रेप है, डिकॉइटी है, मर्डर है, किडनैपिंग है, ट्रैफिकिंग है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करने वाला कोई एक्टिविटी है, तब हमें लाइक सीरियस एक्शन और बैन लेना चाहिए। टिल द टाइम ऐसे कोई मतलब इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं तो हमें बैन नहीं करना चाहिए, तो मे बी कुछ टाइम के लिए हम उनको डिबार कर सकते हैं पार्लियामेंट से या ऐसे कोई प्रोविजन। तो इस पर जल्दी से जल्दी बात हो, जल्दी से जल्दी लॉ हो ताकि हम अपनी कंट्री में फील सेफ करें। अब ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी विमेन को जो है हैरेस करने की संदिग्ध हैं और काफ़ी हीनियस क्राइम को कमिट करने के लिए इन पर आरोप लगाए गए हैं और वही लोग पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉज बनाएंगे, मतलब
What are we? Who are we? मतलब पागल है क्या हम? तो इट्स लाइक दैट. आई मीन दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग सिचुएशन. प्लस यहाँ पर एक पॉइंट और कहा जा रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले के पिछले हफ्ते दिया था मंडे को, कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल रिव्यू के बीच में क्या डिफरेंस है. देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जब जुडिशरी अपने दामन से बाहर निकल के बाकी सारे केसेस में इंडल्ज करे, अपना वर्डिक्स दे, क्योंकि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रही है और हमारे को इंटरवीन करना ज़रूरी हो गया है ऐसे मुद्दों में. तो जुडिशियल एक्टिविज्म हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ों पर एक जस्टिस हमें प्रोवाइड करा है, बहुत सारी चीज़ों पर हमें सेफ गार्ड किया है जब हमें यू नो इंस्टेंट प्रोटेक्शन चाहिए था. तो यहाँ पर अगेन यही बात हो रही है, जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हमें चेंजेस लाने चाहिए एंड इलेक्शंस में ऐसे लोगों को कंटेस्ट करने के लिए मना करना चाहिए. तो क्या ये सारी चीज़ें इफेक्टिव डेटरेंस कॉज करेगा? यहाँ पर थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि देखिए, क्या ये चीज़ें सीरियसली इफेक्टिवली हमें हमारे गोल को अचीव करने में मदद करेगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पार्टी इन पावर अगेन इन सारी चीज़ों को यूजलेसली यूज़ करती हुई नजर आएगी. लेजिस्लेचर टू मेक लॉज एंड जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉज. तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होना चाहिए. ऑल्सो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट at the time of framing of charges will be a reasonable solution. कि जैसे ही charges लगे एक कैंडिडेट पे जो कि उम्मीदवार है contest करने के लिए election को, तभी उसको defame कर दीजिए. जनता पे भी कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए कि आप ही ऐसे लोगों को वोट ना करें. एटलीस्ट अपने एरिया के MLA को जिसको आप वोट कर रहे हैं उसको आप हमेशा देख करके चलिएगा कि उसका चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है, बैकग्राउंड क्या है. ये नहीं कि सिर्फ वो BJP का है, या फिर इफ़ यू आर एलिनेटेड टू, इफ़ यू आर अ पार्टी टू BJP, या फिर इफ़ यू आर पार्टी टू कांग्रेस और आपने बस उनका देखा कि अच्छा ये इस पार्टी का है तो मतलब अच्छा ही होगा. नहीं, आपको MLA का फिगर भी देखना है, आपको उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिफोर यू कास्ट एनी वोट. यहां पर बात हो रही है छोटे से इंसिडेंट के ऊपर. यूनाइटेड किंगडम्स में जो है एक शिप भर के आई थी विंड रश करके, जहाँ पर बहुत सारे लोग कैरेबियन कंट्रीज से उठ करके आए थे, क्योंकि वहाँ पर UK में इंडस्ट्रियलाइजेशन हैवी था एक ज़माने में, ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे, इनको चीप लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो ये सारे गरीब नेशन आइलैंड कंट्रीज से उठ करके यहाँ पर UK में आए थे ताकि वो लेबर प्रोवाइड कर पाए, काम कर पाए और कुछ यू नो पैसा कमा पाए. बट अभी हाल ही में वहाँ की गवर्नमेंट को ये चीज़ आरोप लगाया गया, उन पर एलिगेशन लगाया गया कि वो ऐसे बहुत सारे लोगों को घर वापसी कर रहे हैं, उनके राइट्स का हनन कर रहे हैं, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो कि पुश्तैनी वहां पर रहते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर रेसिज्म जैसी फीलिंग परसिस्ट करी. रेसिज्म इज समथिंग कि ये है यूनाइटेड किंगडम के लोकल लोग, ये हो गए अफ्रीकन पीपल, ये हो गए कैरेबियन पीपल, तो ये सारे लोग अलग अलग हैं, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है सोसाइटी इतने गलत तरीके से देखती है कि ये हम सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये ब्लैक्स है, हम वाइट्स हैं, ऐसे सारी फीलिंग्स कि ये हम हैं और ये वो हैं, ये मैं हूं और ये तुम हो, ऐसी फीलिंग्स अगर पनपती है तो यहां पर राइट्स का हनन हो जाता है. तो यहां पर जमैका, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो और बारबाडोस जैसी कंट्री से लोग उठकर के 1948-1971 में UK आए थे. तो ऐसे सारे जैसे विंडरश जनरेशन, ऐसे सारे जो इंस्टेंसेस है, आप अगेन ऐसे राइटिंग और इंटरनेशनल रिलेशन जो GS पेपर 2 का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जबकि माइग्रेशन और ये सारे इश्यूज डिस्कस हम कर ही रहे हैं तो वहां पर आप ये सारे पॉइंट्स यू नो वो इंक्लूड कर सकते. तो ये है कंट्रीज, कैरेबियन कंट्रीज यहाँ है, यहाँ से उठ करके ये लोग UK गए थे. तो वेर इज़ UK? दिस इज़ UK. तो यहाँ पर उठ करके नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्रॉस करके वहाँ गए थे. थोड़ा सा मैप भी आप देख लीजिए ताकि आप थोड़ा सा यू नो या यू नो दैट. तो यहाँ पर नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 का आ गया. हमारी परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने कहा नीचे से हम हमेशा टॉप करते हैं, तो वी हैव टॉप्ड द लिस्ट नीचे से ऊपर. 119 कंट्रीज में से हमारा स्कोर कार्ड आया 103 और ये कहा गया काफ़ी सीरियस है वेन एवर इट कम्स टू हंगर इंडेक्स. हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं. 1 in 5 एटलीस्ट वेस्टेड कैटेगरी में है, मतलब दे आर अब हैविंग स्टंटेड ग्रोथ, अंडर नरिशमेंट, हेल्थ वाइज अच्छे नहीं है, जल्दी मरने की और डिजीज प्रोन है. हमारे ये प्लेसेस पिछले साल से 3 प्लेसेस और नीचे गिर गई, तो और भी यू नो आश्चर्यचकित बात है. तो 4 मेन इंडेक्सेस ये देखते हैं. अंडर नरिशमेंट इन द चाइल्ड, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट, हाइट के हिसाब से उनका वेट काफ़ी लो है, अंडर वेट है. चाइल्ड स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, अपनी एज के हिसाब से उनकी हाइट कम है. चाइल्ड मोर्टैलिटी मतलब चाइल्ड डेथ, यहाँ पर जो चाइल्ड का जो एज रखा गया है वो है 5 ईयर्स तक, तो 1 से 5 ईयर्स के बीच में ये लोग बच्चों को सर्वे करते हैं.
अंडर नरिशमेंट पर, चाइल्ड वेस्टिंग पर, चाइल्ड स्टंटिंग पर, चाइल्ड मोरालिटी पर. तो आई थिंक हमारे ऐसी रिपोर्ट के बाद बहुत सारे एडिटोरियल्स आने ही वाले हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा रीड करिएगा. ये रहा इंडिया का पोजीशन, जो कि पाकिस्तान, ब्राज़ील, इन सारे गुट में ये प्रेजेंट है, वेयर एज यू नो आई मीन वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग दैट नाइस, आई मीन गुड रिपोर्ट कार्ड, राइट. तो यहाँ पर फिगर्स देखिए काफ़ी अलार्मिंग है. वी आर इन द अलार्मिंग कैटेगरी, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग में आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. ये हमारा मैप प्रैक्टिस का भी कंट्री रह चुका है. यहाँ पर चाइना फिर भी कम है, देखिए लो में आ रहा है, तो उन्होंने काफ़ी मेजर्स, और ब्राज़ील भी मीडियम में आ रहा है, तो ये सारी कंट्रीज़ फिर भी बेटर है. और इंडिया से बेटर तो मतलब पाकिस्तान भी है, मतलब इंडिया इससे भी ऊपर आ रहा है कहीं ना, मतलब नहीं सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर. देखिए आई मीन अब हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से हो गया, अब क्या ही मैं कहूँ इस पर. मिक्सचर बोल के तहत तितली साइक्लोन, जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा है, वो ओडिशा कोस्ट पे हिट कर चुके हैं. 9 लोग की हमें मरने की खबर भी आ रही है. यहाँ पर बात हो रही है स्टबल बर्निंग, जो कि पैडी क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट निकालते हैं, उसका जो वेस्ट मटीरियल है उसको फार्मर उसे छुटकारा पाने के लिए उसको बर्न कर देते हैं इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जिसका जो है पूरा का पूरा रेपरकशन दिल्ली जैसा स्टेट्स भुगतता है, क्योंकि यहाँ पर विंड का जो कि पूरा का पूरा मूवमेंट इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, वो आ करके एक स्मॉग ब्लैंकेट बना देता है हमारे दिल्ली में. तो भी बहुत सारे मेजर्स यहाँ पर हो रहे हैं, एनकरेज करा जा रहा है फार्मर्स को कि आप टेक्नोलॉजी वगैरह सब्सिडाइज रेट पर आप लीजिए, और ये सारे जो जो एग्रीकल्चरल जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको और अच्छे तरीके से मैनेज करिए, सिर्फ सिंपली बर्न करना इसका सोल्यूशन नहीं है. यहाँ पर एक दुखद घटना मैंने यहाँ पर पढ़ी फ्रंट पेज पर आज द हिंदू में, ये न्यूज़ थी कि मिस्टर अग्रवाल, ही वॉज द प्रोफेसर इन IIT एंड ही हैज़ IIT कानपुर के ये खड़गपुर, आई थिंक खड़गपुर के ये प्रोफेसर रह चुके हैं, IIT प्रोफेसर रह चुके, सिविल इंजीनियरिंग इनका डिसिप्लिन था. ये फास्ट पे बैठे हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे, क्योंकि ये गंगा प्रोटेक्शन पे बहुत सारे पॉइंट्स पे गवर्नमेंट से सहमत नहीं थे कि आपको गंगा रिवर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारी गंगा मैया है, होलिस्टिक इसका एक होली इसका सिग्निफिकेंस है, काफ़ी सारे स्टेट्स को ये इनका हंगर फुलफिल करती है और एग्रीकल्चर में हेल्प करती है. तो इनकी बहुत सारी डिमांड्स थी जिसको गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी, और ये एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, सिर्फ लेमन हनी और वाटर पे जिंदा थे, और अभी उनकी डेथ हो गई है. तो इट इज लाइक वी सल्यूट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर कंट्री, एंड आई होप दैट ही रेस्ट इन पीस, एंड वी आर वेरी सैड टू लूज लीडर्स लाइक हिम, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे इतना ज्यादा जागरूकता और इतना ज्यादा सेंसिटिविटी रखते हैं. यहां पर एंटीबायोटिक्स का थोड़ा सा आर्टिकल है, मे बी मैं टुमारो इसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है कि यहां पर सुपर बग रिस्क क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स को ओवर यूज करने से. वेरी सिंपली आप यहां समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स एक लेवल से आप ऊपर यूज करेंगे तो आप रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर उसका असर कम होने लगता है. तो ये मे बी आई डिस्कस दिस टुमारो एज अ सेपरेट आर्टिकल. बैकग्राउंड एनालिसिस में आपका है योर ओपिनियंस ऑन मी टू, आप मुझे बताएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप मुझे दीजिएगा. नोबल प्राइज विनर्स और 2018 जो बहुत सारे डायमेंशन में उनके नाम आप बताइएगा. PILs कैसे फाइल करते हैं, कहां फाइल करते हैं, ये क्या होता है, ये आप मुझे बताइएगा. लोअर कोर्ट्स के ऊपर आप थोड़ा सा बताएगा, इनके जजेस कैसे सिलेक्ट होते हैं, अपॉइंट करे जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, कैरेबियन कंट्रीज कौन कौन सी है, कहां कहां है, ये थोड़ा सा आप जाकर के मैप में देखिएगा वोकैबुलरी. वर्ड्स फॉर यू, ट्रांसग्रेशन एंड एक्ट दैट गोज अगेंस्ट लॉ, उल्लंघन करना. एब्निगेशन द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, अस्वीकार करना. गिलोटीन, मशीन विद अ हैवी ब्लेड, जिसकी वजह से जो है लोगों का सर हम कर दे, बिहेड कर दे लोगों को. बारबरिक्स, सैविजली क्रूअल, मतलब असभ्य होना. एशलॉन्स, अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विभाग, एक ऊपर एशलॉन्स मतलब एक हायरार्की इन द इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्लेमोर, अ लाउड कन्फ्यूज नॉइज स्पेशली ऑफ पीपल शाउटिंग. यहाँ पर मैप प्रैक्टिस में आपका कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, एंड आपका जो कंट्री है साउथ अफ्रीका है, एंड यहाँ पर ये सारे फिजिकल डिविजन्स हैं. इसको आप जाकर के एक फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका में निहारिएगा. रिवर ऑरेंज है, रिवर वाल है, सेंट हेलेना बे है, घाप प्लेटो, ड्रैकन्सबर्ग, मपूटा बे, अलगोआ बे, केप ऑफ गुड होप एंड केप ऑफ अगलहर्स, इस पर तो एक करंट का नाम भी रखा गया है. प्रिटोरिया इसकी कैपिटल है. टू स्मॉलर कंट्रीज जो कि साउथ अफ्रीका कंट्री में प्रेजेंट है, दो कंट्रीज, वो आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन. करेंसी क्या है साउथ अफ्रीका की, ये आप मुझे बताइएगा. ये है साउथ अफ्रीका का फ्लैग. टूवर्ड्स द एंड
say stay tuned to Pencil Box Education for more videos and updates, and do check out links in the description down below regarding Telegram and Facebook page. And please do give this video a big thumbs up. Ye only Guru Dakshina hai. Aap mujhe apna samarthan denge, likes badhayenge. To maybe meri video bhi YouTube circulate karta hai aage. Aur main bahut khush hoti hu jab aap log meri community join karte hai aur mujhe itna samarthan dete hai. To please agar aapko mera kaam pasand aaye to mujhe thoda sa like shike kar dijiyega. Khushi ushi ho jayegi mujhe. Thanks a lot for being a patient listener. Do your background analysis questions daily. Be happy, stay positive, spread love. That's the most important thing. Signing off from Pencil Box Education. Jai Hind, and thank you for